हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग गुप्त साम्राज्य के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग माना जाता है। तीसरी सदी के अंत में इस साम्राज्य की स्थापना श्री गुप्त ने की थी। इस साम्राज्य से ही मंदिरों का निर्माण, बाल विवाह आदि की परंपरा की शुरुआत हुई। साथ ही इस युग में सबसे अधिक सोने के सिक्के बनाए जाते थे। इसके अलावा पंचतंत्र जैसे महान ग्रंथ की रचना भी इसी युग में हुई थी, और गुप्त काल से कई महान रचनाकारों और विद्वानों का भी संबंध रहा है। इतिहासकारों के मुताबिक गुप्त वंश की शुरुआत उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से हुआ था। गुप्त वंश का इतिहास में अपना एक अलग महत्व है, तो आइए जानते हैं इसकी उत्पत्ति, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति और इसके पतन के कारण के बारे में। अब हम पहले गुप्त वंश की उत्पत्ति के बारे में जान लेते हैं। गुप्त वंश की उत्पत्ति को लेकर इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। ऐसा माना जाता है कि श्री गुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। मौर्य काल के बाद गुप्त काल का उदय 275 ईस्वी में हुआ था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस वंश की उत्पत्ति शूद्र तथा निम्न जाति से हुई थी, जबकि कुछ विचारकों का मानना है कि गुप्त वंश की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई थी। अब हम गुप्त वंश के शासनकाल के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर मैं सिलसिलेबद्ध तरीके से एक के बाद एक किन किन राजाओं ने गुप्त वंश की राजगद्दी को संभाला और उनके द्वारा किए गए कार्यों को मैं एक एक कर बताता जाऊँगा। तो पहला नाम आता है घटोत्कच का शासन के बारे में। तो श्री गुप्त के बाद उसका बेटा घटोत्कच गुप्त ने गुप्त वंश की राजगद्दी को संभाली, और कुछ इतिहासकारों और अभिलेखों और ग्रंथों में घटोत्कच को गुप्त वंश का प्रथम शासक बताया गया है। दूसरे नंबर पर आता है चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल। घटोत्कच के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त सिंहासन पर बैठा। उन्होंने अपने शासनकाल में कई महान काम किए। अपने कामों के लिए उन्हें महाराजा धीराज की उपाधि से भी नवाजा गया था। इतिहास में कई अभिलेखों में गुप्त साम्राज्य के प्रथम और महान शासक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। इसके साथ ही उन्हें संवत की शुरुआत करने का भी श्रेय दिया जाता है। इसके अलावा सिक्कों के प्रचलन की प्रथा भी चंद्रगुप्त प्रथम ने ही अपने शासनकाल में शुरू की थी। अब हम समुद्रगुप्त के शासनकाल के बारे में जान लेते हैं। गुप्त वंश के महान सम्राट चंद्रगुप्त के बाद उनके पुत्र समुद्रगुप्त ने राजगद्दी संभाली। उन्होंने अपने शासनकाल में गुप्त साम्राज्य का काफ़ी विस्तार किया था। उन्होंने बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में स्थित पूर्व मालवा तक और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक अपना साम्राज्य फैला लिया था। समुद्रगुप्त एक महान शासक होने के साथ ही एक महान कवि और संगीतकार भी थे, जिसे उनकी महान नीतियों की वजह से भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। अब हम चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जान लेते हैं, जिन्हें कि विक्रमादित्य भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश की राजगद्दी पर आसीन हुए। उन्हें विक्रमादित्य और देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने करीब 40 सालों तक कुशलतापूर्वक राजगद्दी संभाली। इस दौरान न सिर्फ उन्होंने गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया, बल्कि साहित्य और कला को भी जमकर बढ़ावा दिया। उनके युग को भारतीय कला और साहित्य का स्वर्णिम युग कहा जाता है। इसके साथ ही इसे भारत के इतिहास का भी स्वर्णिम युग माना जाता है। विक्रमादित्य ने अपने विशाल साम्राज्य को उत्तर में हिमालय की पहाड़ी इलाकों से लेकर दक्षिण में नर्मदा के तटों तक और पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में गुजरात तक फैला दिया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय उनकी पहली राजधानी पाटलिपुत्र थी और दूसरी राजधानी उज्जैन थी। साहित्य के महान एवं सबसे विद्वान कवि कालिदास जी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय उनके दरबार में शामिल थे। इसके अलावा महान चिकित्सक धन्वंतरी भी उनके दरबार में थे। यही नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही महरौली स्थित राजचंद्र के लौह स्तंभ को भी बनवाया था। अब हम कुमारगुप्त प्रथम के बारे में जान लेते हैं। विक्रमादित्य के बाद कुमारगुप्त प्रथम ने गुप्त साम्राज्य की का सिंहासन संभाला। उन्होंने अपने शासनकाल में विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। कुमारगुप्त ने अपने पिता चंद्रगुप्त द्वितीय की तरह ही अपने शासनकाल में राज्य का जमकर प्रचार प्रसार किया और राज्य को एक नई दिशा दी। अब हम स्कंदगुप्त के बारे में जान लेते हैं। कुमारगुप्त की मौत के बाद उनके पुत्र स्कंदगुप्त ने
साम्राज्य की राजगद्दी संभाली। उन्होंने विरोधी आक्रमणकारियों से अपने राज्य की सुरक्षा की और समाज में सुव्यवस्था बनाने का पूरा ध्यान रखा। स्कंदगुप्त के बाद गुप्त वंश का कोई भी उत्तराधिकारी अपना कोई खास प्रभुत्व नहीं जमा सका, इसलिए उनके बारे में इतिहास में ज़्यादा कुछ उल्लेखित नहीं है। हालांकि इस साम्राज्य के अंतिम शासक विष्णुगुप्त से संबंधित जानकारी का प्रमाण इतिहास में देखने को मिलता है। अब हम गुप्त वंश के आय के प्रमुख स्रोतों के बारे में जान लेते हैं। गुप्त काल के दौरान शासक को सब्जियों और फल के रूप में कर दिया जाता था। गुप्त साम्राज्य के दौरान राजाओं को भूमि के उत्पाद से प्राप्त होने वाला छठवां हिस्सा भी कर के रूप में अदा किया जाता था। अब हम गुप्तकालीन जाति व्यवस्था और धार्मिक स्थिति के बारे में जान लेते हैं। गुप्तकालीन समाज चार अलग अलग जातियों में बटी हुई थी, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। महान विद्वान कौटिल्य यानी कि चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र और भारतीय गणितज्ञ और महान खगोल शास्त्री वाराहमिहिर ने भी अपनी पुस्तक वृहत संहिता में गुप्तकाल में चार अलग अलग जातियों का उल्लेख किया है। वहीं अगर गुप्तकाल की धार्मिक स्थिति की बात की जाए तो इस दौरान ब्राह्मण धर्म और हिंदू धर्म के पुनरुत्थान का समय माना जाता है। इस काल में मूर्ति पूजा और ईश्वरीय भक्ति को महत्व दिया गया था। इस दौरान शैव व वैष्णव संप्रदाय प्रचलन में थे। अब हम गुप्तकाल में कला और संस्कृति के बारे में जान लेते हैं। गुप्तकाल को कला का स्वर्णिम युग माना गया है। इस दौरान ही कला की कई विधाओं जैसे कि चित्रकला, स्थापत्य कला, मृदभांड कला आदि को महत्व दिया गया है। इसके साथ ही बेहद सुंदर मंदिर बनवाए गए हैं। इस दौरान ही मध्य प्रदेश के तिगवा में स्थित महाप्रसिद्ध विष्णु मंदिर, मध्य प्रदेश के नागौद में शिव मंदिर, उत्तर प्रदेश के झांसी में दशावतार मंदिर आदि का निर्माण किया गया है, जिनकी सुंदर बनावट और कला की प्रशंसा आज भी की जाती है। इसके अलावा गुप्तकाल साहित्यिक रूप से भी समृद्ध माना जाता है। इसे संस्कृत के साहित्य का स्वर्णिम युग भी माना जाता है। इसके अलावा इस दौरान भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया था। अब हम गुप्त वंश के वंश का पतन क्यों हुआ इसे जान लेते हैं। गुप्त वंश के पतन को लेकर इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। ऐसा माना जाता है कि पारिवारिक कलह और बार बार विदेशी आक्रमण की वजह से गुप्त वंश का पतन हो गया। ऐसा भी कहा जाता है कि हूनों द्वारा हुए आक्रमण भी इसके पतन का मुख्य कारण बना था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना भारतीय इतिहास के स्वर्णिम युग गुप्त साम्राज्य के बारे में। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को पूरा देखा है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।